अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम केस्टोर टैबलेट के बारे में बात करेंगे। ये सी लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है। इसमें जो मेन साल्ट यूज़ होता है उसका नाम है रसुवास्टेटिन। ये मेडिसिन की क्लास स्टेटिन ग्रुप से बिलोंग करती है। केस्टोर टैबलेट 5 mg, 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। केस्टोर टैबलेट बेसिकली जिस्म में लिपिड्स की प्रोडक्शन या कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह ऐसे मरीज़ों को प्रेस्क्राइब की जाती है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो चुका हो, जिसकी वजह से मरीज़ को कहीं हार्ट अटैक या फॉलेज का झटका ना लग जाए। जैसा कि कुछ मरीज़ हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को भी यह मेडिसिन एज ए हार्ट अटैक प्रिवेंशन के तौर पर दी जाती है, ताकि ये मेडिसिन ऐसे मरीज़ों को हार्ट की डिजीज़ेस और हार्ट अटैक और फॉलेज की कंडीशन से बचा सके। जब खून की नालियों में चिकनाई यानी लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होने लग जाते हैं, तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक और फॉलेज का ख़दशा बढ़ जाता है। ये मेडिसिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। केस्टोर टैबलेट के अगर डोजेज की बात की जाए तो एक टैबलेट रोज़ाना प्रेस्क्राइब की जाती है। केस्टोर टैबलेट के अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो इस मेडिसिन से अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी यानी आपको इस मेडिसिन से अगर एलर्जी है, तो उस सूरत में आप केस्टोर टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। केस्टोर टैबलेट के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इससे आपका स्टमिक अपसेट हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। कोई भी मेडिसिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें।